हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है PFD पैनल है, इसका जो टर्मिनल होता है, जो पिन होता है, उस पर कौन सा पिन पे कौन सा हम लोग जो है कमांड वगैरह डालते हैं, कहाँ पे हम लोग इंडिकेशन का यूज करते हैं, इसका पूरा जो टर्मिनल है उसके बारे में पूरी डिटेल्स है जानने वाले हैं। तो ये जो है हम लोग निकालेंगे, ये ऑलरेडी मैं निकाल दिया हूँ। इसका कवर जो है आराम से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए ए जी एन डी है, यानी ग्राउंड है, और ए बी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ए बी है और यहाँ पे प्लस माइनस आर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो ये जो है ये हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। BMS स्काडा जो होता है, PLC DCS वगैरह जो होता है, उसमें इसका कनेक्शन होता है। तो यहाँ ये जो टर्मिनल आप लोग को पता चला, ये क्या चीज़ का है, कम्युनिकेशन का पोर्ट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक ये पोर्ट है और ये एक जो है टर्मिनल, यानी एक अलग ये है आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे एक देख सकते हैं, और यहाँ पे ये तीन देख सकते हैं। तो हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये SCR है, AB है। तो ये जो है टर्मिनल, हम लोग इसको ओपन कर लेंगे, क्लियरली हम लोग को दिख जाएगा। तो ये जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये जो है क्या लिखा हुआ है, SCR है। तो इसमें जो है हम लोग अर्थिंग देते हैं, जो हमारा अर्थ होता है वो डालते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं AI1 है, यानी एनालॉग इनपुट 1, दो नंबर टर्मिनल है एनालॉग इनपुट। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं AGND, यानी ये जो है ग्राउंड का, तीन नंबर आप लोग देख सकते हैं, ये ग्राउंड का है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 वोल्ट है, और ये जो है A2 है, यानी AI2 है, यानी एनालॉग इनपुट जो है 2 है, पाँच नंबर टर्मिनल। और यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, 6 नंबर में ग्राउंड है। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये 6 का डिटेल ऊपर, ये AI का है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं AO1 है और AO2 है, और AGND, यानी AO का दो टर्मिनल है, उसका ग्राउंड ये है। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या है, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट है, इस टर्मिनल में दो चीज़ मिलेगा। तो इसमें हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले SCR आप लोग देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग डालते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अर्थिंग है और ए भी है। तो इसमें एनालॉग इनपुट में हम लोग क्या करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पोटेंशियोमीटर डाल सकते हैं, या हम लोग क्या करते हैं, जो BMS स्काडा से इसको कमांड दे सकते हैं, 0.4 to 20 mA हम लोग क्या करते हैं इस पर फ्रीक्वेंसी का स्पीड जो होता है कंट्रोल करने के लिए हम लोग 0.4 to 20 mA डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एनालॉग इनपुट, यानी जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम लोग BMS स्काडा में यूज करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये AI पे एक पॉइंट डालते हैं, एक ग्राउंड पे डालते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अर्थिंग यूज हो रहा है, तो हम लोग अर्थिंग भी डाल देंगे। अगर नहीं यूज होगा तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, एक इसमें डालेंगे और एक जो हमारे AI में डालेंगे, तो हमारा जो है कनेक्शन हो जाता है। वहीं अगर हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 वोल्ट जो होता है इस टर्मिनल में इनबिल्ट होता है, जो स्पेशली ये जो है यूज किया जाता है पोटेंशियोमीटर के लिए। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को कम ज़्यादा। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में हम लोग सप्लाई देते हैं, फिर एक क्या करते हैं हम लोग, ये ग्राउंड डाल देते हैं, और ये जो है A1 या A2 कोई हम लोग यूज कर लेते हैं। तो जिस तरह हम लोग जॉन सर जो टर्मिनल यूज करते हैं उसका जो है हम लोग प्रोग्राम करते हैं PFD में, तो जैसा हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है उसी के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। तो सिर्फ आप लोग को पता चला होगा AI जो यूज किया जाता है किसके लिए यूज किया जाता है, हमारा एनालॉग इनपुट के लिए। फिर यहाँ पे आप लोग AO यानी एनालॉग आउटपुट, तो ये जो है ये पोर्ट यूज किया जाता है फीडबैक के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कमांड देने के लिए कि कितना पे हम लोग का चलेगा, वही जो है हम लोग फीडबैक चाहिए अगर BMS स्काडा में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये टर्मिनल यूज करते हैं। यानी हम लोग को अगर कुछ वैल्यू जो है हम लोग फीडबैक फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग BMS स्काडा देते हैं या पोटेंशियोमीटर से देते हैं, तो उसका हम लोग को फीडबैक चाहिए। तो वही जो फीडबैक जो है हम लोग यहाँ हमारा फीडबैक के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो है टर्मिनल आप लोग को पता चल गया हो। अब हम लोग देखेंगे, ये जो है आप लोग देख सकते हैं, दूसरा जो है आप लोग यहाँ से देखेंगे, ये जो टर्मिनल है आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या है, DI का, यानी डिजिटल इनपुट का पोर्ट है, टर्मिनल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 24 वोल्ट जो है 10 नंबर जो टर्मिनल है 24 वोल्ट प्लस है, और ये ग्राउंड है यानी 0 वोल्ट कर सकते हैं, और ये जो है कॉमन है, डी कॉमन है, यानी डिजिटल इनपुट का कॉमन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, इसमें ये प्लस हो गया, और ये जो है
ग्राउंड जीरो 24 ग्राउंड और कॉमन में जो VFD का कनेक्शन होता है वो दो टाइप्स होता है, एक जो होता है सोर्स टाइप और दूसरा जो होता है सिंक टाइप। तो अगर हम लोग अगर 24 वोल्ट ये जो है आप लोग देख सकते हैं 24 वोल्ट अगर यूज करेंगे जो हमारा यहाँ से एक केबल लेकर के हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट पुश बटन वगैरह यूज करते हैं या हम लोग ऑटो हैंड का यूज करते हैं या हम लोग क्या करते हैं फॉरवर्ड रिवर्स वगैरह जो होता है उसका यूज करके या कोई भी हम लोग इससे कनेक्शन करते हैं तो डिजिटल इनपुट देते हैं उसके लिए अगर 24 वोल्ट का यूज करेंगे तो क्या होता है सोर्स टाइप होता है और दूसरा क्या होता है सिंक टाइप। तो सिंक टाइप में क्या होता है हम लोग ये जो ग्राउंड है ये यूज करते हैं यानी 0 वोल्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर है सोर्स जो है यूज किया जा रहा है तो 24 वोल्ट जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा और ग्राउंड को क्या होगा कि कॉमन से लूप कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर सोर्स अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये जो है हमारा इक्विपमेंट में चला जाएगा पूरा सप्लाई यहाँ से जो भी हमारा डिजिटल इनपुट में इक्विपमेंट लगेगा उसमें चला जाएगा और ग्राउंड को ये जो है आप लोग देख सकते हैं 12 नंबर 11 नंबर लूप करके कॉमन में इसको लूप किया जाता है। अगर वहीं अगर हम लोग ग्राउंड का यूज करते हैं यहाँ से केवल लेके 0 वोल्ट का यूज करते हैं तो 24 वोल्ट को हम लोग ग्राउंड जो है ये जो है हमारा कॉमन इसमें लूप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये लूप हो रहा है तो 24 वोल्ट का अगर हम लोग यूज करेंगे तो ये हो जाएगा। क्या होता है उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे होता है डिजिटल इनपुट 1, 2, 3, 4, 5 यानी 6। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना है 6 डिजिटल इनपुट है। तो डिजिटल इनपुट जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकता है जैसे हम लोग यूज करते हैं। VFD जो होता है वो अलग अलग हम लोग मोड में यूज कर सकते हैं यानी अलग अलग तरीका से यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग यूज करना चाहेंगे वैसे हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हमारा जो VFD होता है उसका मैनुअल होता है उसमें क्या होता है प्रोग्राम दिया रहता है कि इस तरह से आप कनेक्शन करके उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, हम लोग प्रोग्रामिंग करना पड़ता है उसी के हिसाब से कनेक्शन करते हैं। तो मान लीजिए कि कहीं पे क्या होता है कि ऑटो हैंड का सिस्टम रहता है, ऑटो हैंड हम लोग यूज करते हैं, कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो है हम लोग क्या करते हैं पुश बटन वगैरह यूज कर लेते हैं, मान लीजिए पुश बटन यूज कर लेंगे। कहीं कहीं पे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए रिवर्स फॉरवर्ड जो है वो यूज किया जाता है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि लोकल रिमोट जो है ये हमारा सेलेक्टर स्विच यूज करके फिर उसके बाद स्टार्ट स्टॉप यूज किया जाता है। तो अलग अलग मोड का जितना भी यूज किया जाता है तो जितना भी हम लोग डिजिटल इनपुट का कमांड देते हैं वो यहाँ पे देते हैं इस पोर्ट में देते हैं। अलग अलग मोड में हम लोग जैसे भी यूज करेंगे वैसे हम लोग प्रोग्राम करके उसी के हिसाब से क्या करते हैं यहाँ पे हमारा कनेक्शन होता है। फिर उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं ये जो पोर्ट है आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो है रिले का है, रिले आउटपुट, इस पोर्ट को रिले आउटपुट आप लोग देख सकते हैं 3 रिले आउटपुट है। तो इसका अलग अलग यूज किया जाता है और उसी के हिसाब से प्रोग्राम किया जाता है। जैसे अगर हम लोग को कंट्रोल का कमांड लेना है, कमांड जो कंट्रोल होता है कि अगर VFD को हम लोग कमांड दें तो क्या हो उसके बाद ही क्या हो चालू हो, तो कंट्रोल हम लोग इसमें दे सकते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि इसमें हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे, तो यहाँ पे जो कनेक्शन है इसमें कंट्रोल का है और ये जो है इसके लिए रन स्टेटस वगैरह जो है रिले में जाएगा। ये आउटपुट रिले है, हम लोग यहाँ से रिले वगैरह यूज करके क्या करते हैं कि हमारा रन का स्टेटस ले लेते हैं, फिर यहाँ से ट्रिप का स्टेटस ले लेते हैं, फिर यहाँ से कंट्रोल का, तो कोई भी यूज कर लेंगे। जैसे अगर हम लोग यूज करेंगे उसी के हिसाब से क्या करना पड़ेगा हम लोग को जो है प्रोग्राम करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं NONC है, ये सिंपल सा क्या है रिले आउटपुट का मतलब क्या है, ये जो है सिंपल सा इसमें क्या है कि ये स्विच ही है NONC जो होता है हमारा, एक साइड में NC रहेगा बाद में NO हो जाएगा। तो जैसे अगर हम लोग को यूज करना है वैसे हम लोग क्या करेंगे प्रोग्राम डालेंगे तो यूज कर लेंगे। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा है, कहीं भी अगर आप लोग VFD में जाते हैं तो सिंपल सा यही कनेक्शन आप लोग को मिलेगा। थोड़ा बहुत जो है अलग अलग मेड का डिफरेंट होता है लेकिन आप लोग को जो टर्मिनल मिलेगा वही मिलेगा, AI AO DI और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा कम्युनिकेशन का है यही मिलेगा और रिले आउटपुट का मिलेगा। तो आसानी से कहीं कहीं पे क्या होता है कि डायरेक्ट छोटा जो VFD होता है उसमें डायरेक्ट डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट और ये जो है फॉरवर्ड रिवर्स का अलग अलग लिखा रहता है और उसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा फंक्शन और ज़्यादा मोड नहीं दिया रहता है लेकिन ये जो है हमारा ABB का VFD है ACH 550, तो इसमें जो है पूरा फुल डिटेल्स है, अलग अलग मोड दिया हुआ है अलग। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है VFD का इनपुट है और ये जो है VFD का आउटपुट है, तो यही इसका कनेक्शन है यानी ये VFD में इनपुट हो रहा है और पूरा प्रोसेस होने के बाद जो हमारा आउटपुट जो मोटर में जा रहा है ये है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मेन कनेक्शन था यही था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को इसके बारे में पता चला होगा, इसका जो पोर्ट वगैरह जो है इसका टर्मिनल के बारे में अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।